अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। सर, आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक शुरू कर लेते हैं जिसका नाम है IS-36 इम्पेयरमेंट। जब भी मैंने आपको टॉपिक शुरू कराया, चाहे वो बोरिंग कॉस्ट हो, चाहे वो PPE हो, चाहे आप कहें कि भाई रेशियोज़ हो, चाहे वो कैश फ्लो हो, हमने उस हर टॉपिक के आने का एक ऑब्जेक्टिव समझ लिया। लेट से EPS की बात की थी तो हमने कहा था भाई वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के लिए निकाली जाती है, क्यों निकाली जाती है, वो सारी चीज़ें। तो जब IS-36 की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव भी पता होना चाहिए कि हम ये स्टैंडर्ड को रीड कर भी रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ताकि आगे की पूरी स्ट्रीमलाइन हो जाए सारी की सारी चीज़ें। तो IS-36 बेसिकली आपको ये बताता है कि पहली बात तो आपको ये रिकॉल कराता है कि भाई आपको ये बात पता होगी कि एक एसेट की वैल्यू में डिक्लाइन यूज करने की वजह से आता है। एक एसेट की वैल्यू में डिक्लाइन किस वजह से आता है? यूज़ करने की वजह से। लेट से आपने कार परचेज की और वो आपने कार परचेज की है, सर आप कहें 2 मिलियन की, सही है जी। आपने कहा इस कार की लाइफ है 5 साल। आपने कहा इस कार की लाइफ है कितनी? 5 साल। तो आपने कहा कि भाई अगर 1 साल का मैं डेप्रिसिएशन निकालूं, 1 साल का अगर मैं डेप्रिसिएशन निकालूं तो वो कितना आ गया बच्चों? 4 लाख रुपए आपके सामने है, वो कितना आ गया? 4 लाख रुपए। अच्छा, जब वो इसका डेप्रिसिएशन 4 लाख रुपए आ गया तो मैंने कहा साल के आखिर में जो इसकी कैरिंग अमाउंट है वो कितनी बच गई? 1.6 मिलियन। बहुत सुकून से समझना, बहुत सुकून से समझना, एसेट की वैल्यू कितनी बच गई? 1.6 मिलियन। मतलब यू आर कैरिंग योर कार इन योर बुक्स आफ्टर यूजिंग वैल्यू, दैट इज 1.6 मिलियन। अब IS-36 आपको आगे कहता है कि जब आपको ये पता लग गया कि आपके एसेट की वैल्यू में डिक्लाइन यूजेज की वजह से आता है, तो आप ये भी समझ लें कि आपके एसेट की वैल्यू में डिक्लाइन एक और वजह से आता है जो के है इम्पेयरमेंट। जो के है इम्पेयरमेंट यानी आपका एसेट मजीद गिर जाएगा वैल्यू के अंदर अगर इम्पेयरमेंट हो गई। तो हमने कहा यार ये वाली बात नहीं समझा, स्टैंडर्ड जरा मुझे खुल के बताओ। हमने कहा खुल के बताते हैं। वो कहता ये है कि भाई हो सकता है कि आपने जो आफ्टर यूजेज वैल्यू निकाली हो और आपको पता लगे कि आपका एसेट क्या हो चुका है, डैमेज। आपका एसेट क्या हो चुका है? डैमेज हो चुका है। तो लेट से अगर ये कार है और कार का हो गया एक्सीडेंट, तो मेरा आपसे सवाल है, मैं कह रहा हूँ इंश्योरेंस इंश्योरेंस कुछ भी नहीं है, साइड में लगा दो। मैं कह रहा हूँ मेरा आपसे सवाल है, क्या आप अपनी किताबों में इस एसेट को 1.6 मिलियन पे दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे? या दिखाना गलत है सर, दिखाना गलत है। क्यों? क्योंकि आप वो शख्स हैं जो कह रहे हैं कि भाई ये एसेट की वैल्यू 1.6 मिलियन है यूज करने के बाद, जबकि आपको पता लगा कि आपका एसेट क्या हो चुका है, डैमेज हो चुका है। और आपका एसेट डैमेज हो चुका है तो मतलब इम्पेयर हो चुका है। इम्पेयरमेंट का मतलब है नुकसान अपार्ट फ्रॉम यूजेज, एसेट की वैल्यू में नुकसान अपार्ट फ्रॉम यूजेज, एसेट की वैल्यू में नुकसान अपार्ट फ्रॉम यूजेज। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अब जो मेरा वैल्यू में डिक्लाइन आएगा, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं बच्चों, तुम लोगों के लिए सारी ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है कि अब जो मेरी वैल्यू के अंदर डिक्लाइन आएगा, अब जो मेरी वैल्यू के अंदर डिक्लाइन आएगा वो किस वजह से होगा? यूज करने की वजह से या अदर देन यूजेज? सर आप कहेंगे अदर देन यूजेज, क्यों? क्योंकि आपके एसेट में आ चुकी है इंपेयरमेंट, आपके एसेट के ऊपर आ चुकी है क्या सर? इंपेयरमेंट। और अगर मैं ये कहूं कि मार्केट में ये एसेट, सही जी, रुपीस अब 9 लाख रुपए का बिकेगा, तो क्या मैं कह सकता हूं बच्चों कि मेरे पास ये 9 लाख रुपए इसकी सॉर्ट ऑफ रिकवरेबल अमाउंट है? हाँ जी, क्या मैं कह सकता हूँ कि शॉर्ट ऑफ मेरी क्या है सर? रिकवरेबल अमाउंट है। सर रिकवरेबल अमाउंट का मतलब ये है कि आप इस एसेट से मैक्सिमम कितना रिकवर कर सकते हैं सिर्फ इसको बेच के, सिर्फ इसको बेच के, हाँ सिर्फ इसको बेच के। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि आपके पास टेक्निकली एक लॉस बुक हो जाएगा कितने का? सर 7 लाख रुपए का। आपको 7 लाख रुपए का नुकसान हो गया, इस नुकसान को मैं क्या कहूँगा पता है? इंपेयरमेंट। इस 7 लाख रुपए को मेरी जान, मेरे बच्चों, में क्या कहूंगा सर? इंपेयरमेंट। क्योंकि मेरा एसेट क्या हो चुका है सर? मेरा एसेट इंपेयर हो चुका है। तो IS-36 के आने का जो प्राइम और बेसिक मकसद है वो ये है कि वो आपको ये समझा दे
कि बाज़ औक़ात आपके एसेट्स की वैल्यू में कमी सिर्फ यूजेज की वजह से नहीं आती है, बल्कि अपार्ट फ्रॉम यूजेज भी आती है, एंड दैट इज़ कॉल्ड इम्पेयरमेंट। और इम्पेयरमेंट का मतलब है आपके एसेट की वैल्यू में वो डिक्लाइन जो यूजेज के अलावा है, जो यूजेज के अलावा है। और फिर वो अंग्रेज़ी में बताता है, कि इम्पेयरमेंट का मतलब ये है कि आपके एसेट की रिकवरेबल अमाउंट, सही जी। इम्पेयरमेंट की डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ पे, व्हेन रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एसेट इज लोअर देन योर कैरिंग अमाउंट। सर आपके सामने मैंने क्या लिखा है, When recoverable amount of asset is lower than your carrying amount, यानी सर बात समझने की यह है कि अगर आपकी carrying amount ज़्यादा है और recoverable amount कम है, तो आप अपने asset को उठा के recoverable amount पे ले आएंगे, क्योंकि आप अपने asset को overstated नहीं रख सकते, क्योंकि prudence concept आपको ये कहता है, एक्चुअल कॉन्सेप्ट आपको ये कहता है कि भाई अगर आपने अपने एसेट को ज़्यादा वैल्यू पे रखा तो आपने शेयर होल्डर को गलत बता रहे हो, क्योंकि उस एसेट की असल औकात वो है ही नहीं। तो मैक्सिमम उतने पे रखो जितने पे आप उससे रिकवर कर सकते हो उस एसेट से। और मेरी एग्जांपल के अंदर सिर्फ आप उसको बेच सकते थे, कितने पे बेच सकता था, 9 लाख रुपये पे। पावर कितने पे था सर, 1.6 मिलियन पे। तो कितने का नुकसान हो गया सर, आपने कहा 7 लाख रुपये का नुकसान हो गया। ये 7 लाख रुपए का नुकसान अंग्रेजी में क्या कहलाएगा, ये 7 लाख रुपए का नुकसान अंग्रेजी में इम्पेयरमेंट लॉस कहलाएगा। बात समझ आती है, क्योंकि यूज करने के बाद जो वैल्यू बची हुई थी अब वो रिकवर थोड़ी ना होगी। अब आपका मुझसे सवाल ये होगा, और जो बच्चे ये लेक्चर देख रहे हैं, कि सर वॉट इफ मेरी रिकवरेबल अमाउंट, वॉट इफ मार्केट वैल्यू होती 2.1 मिलियन, तो क्या मैं 1.6 मिलियन से 2.1 मिलियन पे जाता? अभी एरो बनाता हूँ। हाँ जी, आपका सवाल है कि सर क्या मैं 1.6 मिलियन से 2.1 मिलियन पे जाता यहाँ पे? तो आंसर इज नो। सही जी, आंसर नो इसलिए है क्योंकि आपका एक तो फेयर वैल्यू मॉडल नहीं है। और वो बोल रहा है कि भाई ये जो 1.6 मिलियन से 2.1 मिलियन का गेन, जो इन दोनों का डिफरेंस है वो गेन ही है ना आपका, ये तब बुक होगा ओनली व्हेन रीवैल्यूएशन मॉडल। तो सर आप ये कैसे कह रहे हैं कि रीवैल्यूएशन मॉडल नहीं है तब भी आप 1.6 मिलियन पे 9 पे जा रहे हैं? भाई क्योंकि आपका कॉस्ट मॉडल था, आपका भी क्या चल रहा है, कॉस्ट मॉडल। कॉस्ट मॉडल में आप कह रहे हैं 1.6 मिलियन की वैल्यू पड़ी हुई है जो मैं यूज करूंगा। ओ भाई तू 1.6 मिलियन की वैल्यू यूज ही नहीं कर सकता। 1.6 मिलियन की वैल्यू मैं यूज इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उसकी असल में मार्केट वैल्यू नीचे आ गई है। तो दैट मीन्स कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जी ये कहते हैं, लॉस आपको दिख जाए तो यूजर को मिसगाइड नहीं करना, दस्ती बुक कर लेना। दिस इज कॉल्ड प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, कि प्रूडेंटली अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक्चुअल पिक्चर दिखाओ अपने शेयर होल्डर को। तो सर वो गेन अगर मैं कॉस्ट मॉडल पर, तो गेन नहीं बुक कर, बोलता है गेन बुक करना जब बेचो, मना ही नहीं है। ऐसे तो हर कंपनी क्या करेगी, जब मार्केट वैल्यू ऊपर दिखी ऊपर लेके गेन बुक कर लिया, ऐसा अलाउड नहीं है। फिर वो आपको पॉलिसी चॉइस देता है, जो हमने IAS 16 में सीखा है, कि या तो अपने एसेट को फेयर वैल्यू पर रखोगे या तो कॉस्ट पर रखोगे। फेयर वैल्यू पर होता तो मैं 1.6 मिलियन से जो 2.1 मिलियन पे जाता तो रीवैल्यूएशन सरप्लस OCI आता, OCI अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आता, रिजर्व में जाता, PNL में तब भी नहीं जाता। पर अगेन ये बात बता रहा हूं कि अगर आप कॉस्ट मॉडल के ऊपर हैं, तभी तो मैं यहां पे आपको पूरी एग्जांपल बना के दे रहा हूं, ताकि सिर्फ समझाऊं व्हाई इंपेयरमेंट है क्या। इम्पेयरमेंट सिंपल ये है, आपकी एसेट की वैल्यू में डिक्लाइन अपार्ट फ्रॉम यूजेज, दैट्स इट। और इम्पेयरमेंट कब आएगी, जब आपके एसेट की रिकवरी, रिकवरेबल अमाउंट आपके एसेट की कैरिंग अमाउंट से नीचे हो।
तब आप बोलेंगे आप अपने एसेट को ओवर स्टेटेड नहीं रख सकते, तो आपका वही वही सवाल होगा ना, सोचते हैं बच्चे। तो सर अगर रीवैल्यूएशन मॉडल होता तो भाई रीवैल्यूएशन मॉडल होता तो उस पर जाते ना, कॉस्ट मॉडल पे आप फेयर वैल्यू आसमानों को छू रही हो आप नहीं जाते। पर आप ये बता रहे हैं कि मैं इसको यूज़ कर करके यहाँ तक लेके आया हूँ, क्योंकि मैंने 5 लाख रुपये लगाए थे जिसमें से 4 लाख रुपये यूज़ हो गए, 1.6 मिलियन बचे हुए टू बी यूज मेरे लगाए हुए पैसे में से। जो लगाए हुए पैसे में से 1.6 मिलियन आप कह रहे हैं टू बी यूज़, पर वो 1.6 मिलियन लगाए हुए पैसे में है ही नहीं ना, क्योंकि आपने जितने भी पैसे लगाए थे उसकी यूज़ करने की कैपेबिलिटी अब बकाया 1.6 मिलियन की है ही नहीं, वो 9 पे जा चुकी है। तो 9 पे लाओ फिर उसको डेप्रिशिएट करो, क्योंकि असल यूजेज वैल्यू आपकी 9 लाख के आगे, अब दैट्स इट। ये बात समझाने की थी आपको। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मैं अगर अपने एसेट को कॉस्ट मॉडल पे रख रहा हूँ, प्लीज़ सुनिएगा, मैं अगर अपने एसेट को कॉस्ट मॉडल पे कैरी कर रहा हूँ तो मेरे एसेट साल के आखिर में कैरिंग वैल्यू पे आएंगे आफ्टर यूजेज। फिर आपने ध्यान लगाना होता है कि कहीं कोई ऐसा इंडिकेटर तो नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड इम्पेयरमेंट इंडिकेटर, दैट इज़ कॉल्ड इम्पेयरमेंट इंडिकेटर। जो पहला इंडिकेटर मैंने आपको बताया एसेट का डैमेज हो जाना, एसेट का डैमेज हो जाना। तो अगर आपको पता लगे कि एक एसेट आपकी किताब में कैरिंग अमाउंट में मौजूद है और वो डैमेज हो चुका है, तो आप फिर असेस करेंगे क्या वो एसेट इम्पेयर्ड तो नहीं है, क्या उसकी वैल्यू में कमी तो नहीं है। क्योंकि 1.6 मिलियन को मेरे बच्चों मेरी जान अगर मैं अब डेप्रिशिएट करूंगा, तो तुम ये कह रहे होगे जो मैंने 2 मिलियन लगाए थे उस 2 मिलियन में से 1.6 मिलियन बचा हुआ है जो यूज होगा, जबकि ऐसा है ही नहीं, जबकि ऐसा है ही नहीं। आपने जो एसेट के ऊपर पैसे लगाए थे वो 1.6 मिलियन से भी कहीं नीचे जा चुके हैं एक्चुअलाइजेशन में, तो उसको एक्चुअल पे लेके आ जाओ। और सर अगर ऊपर होता तो आप कहते बस कॉस्ट मॉडल है, जो लगाए हुए पैसे हैं उसको यूज करके खत्म करो, फिर जब बिकेगा तब गेन बुक करना, क्योंकि गेन पे पाबंदी है, गेन बोलता है तब बुक करना जब बेचोगे, लॉस अगर हो गया दस्ती बुक कर लो, दैट्स इट। तो आए जी इसके प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की लाइन रीड करते हैं, प्लीज देखिएगा। यहां पे लिखा हुआ है द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस रिक्वायर्स दैट एसेट मस्ट नॉट बी ओवरस्टेटेड। ये मैंने अपने को आपको भी ये पूरा कहानी सुनाई ना, ये वही अंग्रेजी है। एंड अकॉर्डिंगली IAS 36 इंश्योर्स दैट एसेट्स कैरिंग अमाउंट, एसेट की कैरिंग अमाउंट मस्ट नॉट एक्सीड इट्स रिकवरेबल अमाउंट। ऐसा नहीं हो सकता कि रिकवरेबल अमाउंट से कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो। वो बोल रहा है ये IAS 36 इंश्योर करेगा, आप इंश्योर करेंगे जो इसको अप्लाई कर रहे हैं, कि आपके एसेट की कैरिंग अमाउंट कभी भी रिकवरेबल अमाउंट से एक्सीड होनी ही नहीं चाहिए, कभी भी रिकवरेबल अमाउंट से एक्सीड नहीं होनी चाहिए, IAS 36 इंश्योर करेगा, जो मैंने अभी आपको सिखाया। आगे फिर वो कह रहा है देयरफॉर IAS 36 रिक्वायर्स दैट इफ एन एसेट्स कैरिंग अमाउंट एक्सीड्स इट्स रिकवरेबल अमाउंट। वो बोला IAS 36 रिक्वायर करता है, चाहता है, कहता है कि अगर किसी एसेट की कैरिंग अमाउंट एक्सीड कर जाती है उसकी रिकवरेबल अमाउंट से, जो हमारा केस था कि रिकवरेबल अमाउंट कम थी 9 लाख रुपए थी और कैरिंग अमाउंट कितनी थी 1.6 मिलियन, देन इट इज रिटन डाउन टू, देन वो एसेट रिटन डाउन हो जाएगा टू इट्स रिकवरेबल अमाउंट बाय रिकॉग्नाइजिंग इंपेयरमेंट लॉस। उसको आप अपनी औकात पे ले आएंगे, क्या रिकॉग्नाइज करके, क्या रिकॉग्नाइज करके इंपेयरमेंट लॉस को रिकॉग्नाइज करके। बात क्लियर है बच्चों? तो ये थी एक बेसिक एग्जांपल जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड के व्हाट इज इंपेयरमेंट। तो सर इस वाली क्लास को हम यहाँ तक रखते हैं, सही है जी, और जिसमें हमने सिर्फ ये समझा कि भाई हमारा इम्पेयरमेंट लॉस होता क्या है और वो क्यों बुक होता है ड्यू टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। अगली क्लास में मैं आपको मज़ीद कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि रिकवरेबल अमाउंट का एक्चुअल मतलब क्या होता है, क्योंकि अभी जो मैंने आपको लेक्चर दिया है उसके अंदर रिकवरेबल अमाउंट सिर्फ और सिर्फ आपकी मार्केट वैल्यू बताई थी मैंने आपको कि मार्केट में बेच के कितना मिलेगा, और मैंने ये कहा भी था कि आप अज्यूम करो सिर्फ मार्केट में ही बिक सकता है, बट कॉन्सेप्ट इससे कहीं कुछ आगे है, उसको समझना कहीं कुछ आगे है, तो वो अगली क्लास में समझाता हूँ जी। जज़ाकअल्लाह।